हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आप ऑलरेडी थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, टाइटल वगैरह आपने पढ़ लिया होगा कि आज करने वाले क्या है। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट में। तो सोचा तो मैंने बहुत कुछ था कि ऐसे मेकअप करूँगी वैसे मेकअप करूँगी, लेकिन नहीं हुआ। बट तो मैं मुझे होना था बहुत जल्दी वाला रेडी, लाइट भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी से आपके साथ में रैक करती हूँ अपना गेट रेडी विद मी शूट। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस पर फटाक से मॉइस्चराइजर लगाया, फेस को क्लीन किया, इसके बाद मैंने फुल फेस पर कंसीलर लगाया। अगर आप भी कभी जल्दीबाजी में हो और आपको भी कहीं निकलना है ना, इस तरीके से आप भी कर सकते हो। बहुत नेचुरल सा मेकअप लगेगा और बहुत प्यारा भी लगेगा। तो बाय द वे, ये डे मेकअप था, कोई लाइट नहीं है यहाँ पे, कोई भी लाइट नहीं आ रखी, बस नेचुरल लाइट मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और आई होप आपको वीडियो अच्छी भी लगे, देख रही हो क्लियर। तो इसके साथ में मैंने इसको ना अच्छे से ब्लेंड कर लिया ब्रश के हेल्प से। तो मैं बहुत जल्दीबाजी में थी, मैंने इसको ब्लेंड करने के बाद में फटाक से अपना कॉम्पैक्ट लगाया। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद में फटाक से जितना भी मुझे लग रहा है कि जहाँ जहाँ हल्का हल्का सा बेस लगाना चाहिए उसको कवर अप किया पाउडर की हेल्प से। तो थोड़ा सा मैंने लाइट मेकअप रखा क्योंकि नेचुरल लाइट बहुत प्यारे लगते हैं, नेचुरल लाइट मेकअप। तो मैंने इस तरीके से साथ साथ में मैं अपने भाई से बातें भी करती जा रही हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो इस टाइम में मैंने सोचा था आपके साथ में पूरा ट्यूटोरियल शेयर करूँगी, मैंने इंस्टा पे भी बोला था, बट लाइट गायब हो गई थी, मैं लाइट का वेट करती रही और इस लाइट के चक्कर में मेरा पूरा ट्यूटोरियल रह गया। एनीवे, मैंने सोचा जो भी है मैं रियल आपके साथ में शेयर करती हूँ कि कैसे मैं फटाक से जल्दी रेडी होती हूँ। और कई बार ऐसा होता है फंक्शन में मेरे को जल्दी जाना होता है ना, मैं ज़्यादातर यही वाला लुक करती हूँ, तो आप भी ये कर सकते हो। इसके बाद में मैंने फेस पाउडर या सॉरी अपना कॉम्पैक्ट से ही पूरा नेक पे भी कवर अप कर लिया। इसके बाद में हल्का सा ब्लश लगाया, बहुत हल्का सा, बहुत ही मतलब ये समझो मीडियम कवरेज भी नहीं दिया उसकी, बहुत हल्की सी। इसके बाद में मैंने ब्लश लगाने के बाद में सेम इसी में ब्राउज़र मिक्स कर लिया था। दोनों चीज़ें लगा के आपने दोनों चीक्स को कवर अप कर लिया। यार मेरे को ना मन इतना करता है कि मैं पूरी फेस अपना पिंक पिंक कर लूँ, क्योंकि आई लव ब्लश इतना, मैं ज़्यादा ब्लश को समझती हूँ, इतना प्यार करती हूँ ना कि उसको अपने गालों पे चिपका के रख लूँ। बट इसके बाद हम करते हैं अपने आई मेकअप। तो आई मेकअप में सोची थी जल्दी जल्दी में क्या ही करूँ, मेरे को इतनी तेज़ वाली हंसी आ रही थी कि इंगेजमेंट उसकी जल्दी मैं कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने फटाक से यहाँ पे लगाया ब्लू आई शेडो, अपने लाइनर की तरह थिक लाइन, थोड़ा सा थिक लाइनर लगाने का मैंने डिसाइड किया, बट वो मोटा कर दिया। इसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से इसको हल्का सा ब्लेंड कर लिया, ओवरऑल आई पे यही कर दिया। इसके बाद में मैंने देखा, चेक किया, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, फिर मैंने कहा चलो जो भी है खूबसूरत तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत हो जाएंगे। तो मैंने सेम दूसरी आई पे ये भी कर लिया। इसके बाद मैंने अच्छे से ब्लेंड किया, बहुत जल्दी में किया है, बहुत ही जल्दी में, तो इसको मैंने ब्लेंड किया। इसके बाद में मैंने यहाँ पर फटाक से अपने आईब्रो फिल की। आईब्रो यार स्किप नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, आईब्रो से तो लुक ही आता है। आईब्रो अच्छे से फिल की टाइम लेके, ताकि आप लोग ये ना बोलो कि आपने आईब्रो तो फिल ही नहीं की। एनीवे, सो ये मेरी पहली ऐसी फ्रेंड थी जिसकी इंगेजमेंट में मैं अच्छे से प्रॉपर तैयार होके जा रही हूँ, तो मेरे को बड़ी हैप्पीनेस भी हो रही थी कि चलो अच्छा आया, सडन जाते हैं। तो इसके बाद में मैंने हाइलाइटर भी लगाया, और कोई भी यार प्लान नहीं था कि हाँ मैं जाऊँगी, तो सडन एक हो गया प्लान कि चलो चलते हैं। तो अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आप भी ऐसा हो सकते हो रेडी। इसके साथ बहन आके फ्रेम में देख रही है कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ ना। इसके बाद मैंने मस्कारा लगा लिया था, मस्कारा लगाने के बाद नीचे वाटर लाइन के, तो मैंने हल्का सा ग्रीन कलर में आई शेडो लिया और लगा दिया। आई डोंट नो, मैं पता नहीं हल्दी लुक और मेहंदी लुक क्यों बना रही थी खुद को, बट जो भी है मेरे को अच्छा लगा। इसके बाद मैंने वाइट काजल लगा लिया था, वो मैं आपके साथ में सेवा नहीं कर पाई थी कि मैं मिरर के पास जाके फटाक से लगा दी। देन मैंने ये ब्राउन लिपस्टिक लगाई, और यार ये लगाने के बाद ना मेरे को बड़ा प्यारा सा लगा कि सटल सा एक लुक हो रहा है, बट सिस्टर बोली कि थोड़ा सा डार्क कर लो दीदी, हमेशा लाइट अच्छा नहीं लगता। देन मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया है, आप देख सकते हो। तो ओवरऑल इस तरीके का कुछ लुक रहा, हल्का सा कर्ल्स के हेयर में और थोड़ा सा हंसले खुसली, क्योंकि अपनी यार की शादी है। प्लीज़ कमेंट कर देना, और वीडियो में जितनी भी पसंद आए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।